तो भाई साहब मार्वल की तरफ से बहुत सारा जबरदस्त न्यूज आ रही है, इसलिए मैं इसको लॉन्ग फॉर्मेट में कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो देखते रहना। पहला न्यूज ये है कि मार्वल के जो डूम्सडे एवेंजर्स डूम्सडे मूवी आने वाली है उसमें एक और एडिशन हो चुका है, और वो एडिशन है क्रिस इवांस का, जैसे कि तो हमें पता ही नहीं था। तो वो एडिशन हो चुका है और वो सेम कैरेक्टर में नजर आएंगे या डिफरेंट कैरेक्टर में नजर आएंगे कोई नहीं जानता, मल्टीपल कैरेक्टर्स में भी नज़र आ सकते हैं वो। इसके अलावा हमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच, उसके साथ साथ जो अभी हाल फिलहाल में कैप्टन अमेरिका का रोल करते हैं एंथनी मैकी, वो भी नज़र आने वाले हैं। थंडरबोल्ट्स के कैरेक्टर नज़र आ सकते हैं हमें, आ सकते हैं क्या आएंगे ही, बहुत सारा सेंट्री वगैरह का बहुत तगड़ा रोल होने वाला है उसमें। देन फैंटास्टिक फोर का पूरा कैरेक्टर और टॉम हॉलैंड भी हमें इसमें नज़र आएंगे, तो काफ़ी लंबी कास्ट हो गई है अभी तक भी, और ये इनिशियल कुछ हैं, कुछ चंद, इनके अलावा भी बहुत लंबी लिस्ट होने वाली है कास्ट की एवेंजर्स डूम डे में ही, और सीक्रेट वॉर में तो और भी ज़्यादा लोग आएंगे। तो एक और न्यूज़ है कि आर्मर वार का अनाउंसमेंट का आज 4th एनिवर्सरी है, मतलब जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है 4 साल हो गए हैं और ये मूवी का अता पता ही नहीं है। पहले ये वेब सीरीज़ में बनने वाली थी बट उस वेब सीरीज़ को हटा करके अब इसको फिल्म में बना दिया गया, बट अब इसकी कोई बात भी नहीं कर रहा है, कोई कहीं अता पता भी नहीं है इसका। कहा यह जा रहा है कि सीक्रेट इन्वेजन के फ्लॉप के बाद इसका मतलब इसको सेल्व कर दिया गया, बट ऐसी कन्फर्मेशन वाली कोई न्यूज़ नहीं आई है भाई, डायरेक्टली बता दो तो। अटकलें ही लगाई जा रही हैं और वही है बस, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आएगा क्योंकि जो लाइनअप है उसमें आर्मर वार का कहीं नामो निशान भी नहीं है। रेनहार्ट तो आने वाली है अगले साल बट आर्मर वार का कोई अता पता नहीं है। एक और चीज़ जो बताई जा रही है कि जो मून नाइट का नेक्स्ट पार्ट होगा वो एवेंजर सीक्रेट वार के बाद आने वाला है, अभी हाल फिलहाल उसकी कोई ऐसी काम धंधा नहीं चलेगा उसका, वो अभी साइडलाइन हो चुका है। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सीधा नई यूनिवर्स जो क्रिएट होगा, जो सॉफ्ट रिबूट होगा मार्वल का, उसमें हमें देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा सोनी की साइड आ जाते हैं, तो सोनी वालों ने फाइनली अपने मुझे ये बात बोल दी कि वो भाई साहब ये वेनम वर्स को जो है वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं क्रेवन द हंटर के साथ, वो अब इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। फिलहाल वो सिर्फ स्पाइडरमैन 4 और जो माइल्स मोरेलिस का यूनिवर्स है उस पर फोकस करेंगे, थैंक गॉड। और वो भी वो क्यों फोकस करेंगे, वो तो मार्वल करने वाला है। हाँ, जो उनका माइल्स मोरेलिस का यूनिवर्स है स्पाइडर वर्स, वो काफ़ी ही सॉलिड लगता है, वो काफ़ी सॉलिड काम करते हैं उस पर, तो भाई उस पर फोकस करो तुम और बेहतर बनाओ इसको। बट उसके अलावा हमें नहीं लगता कि और कोई प्रोजेक्ट पे वो अभी ध्यान दे रहे हैं, पर ये चीज़ उन्होंने हालांकि ऐसा खुल के नहीं बोला है बट ऑलमोस्ट ऑफिशियली कंफर्म कर ही दिया है इस चीज़ को, थैंक गॉड। और इसी के साथ साथ उन्होंने 10 मिनट का जो पहला 10 मिनट है वेनम का वो रिलीज कर दिया है, तो अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम जाकर के देख लो, ठीक ठाक ही मूवी थी यार वेनम लास्ट डांस। एक और मूवी जो सोनी अभी लाने वाला है विच विल बी अ स्टेपिंग स्टोन कि आगे वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो है स्पाइडरमैन नोवर। इसमें हमें निकोलस केज स्पाइडरमैन नोवर के रोल में नजर आएंगे, जिन लोगों को नहीं पता है इसमें स्पाइडरमैन के पास कुछ खास पावर होता नहीं है, इज जस्ट अ बैटमैन इन नॉर्मल क्लोथ्स। कूल, कहाँ कहाँ से कॉपी करते हैं यार ये लोग चीज़ें, बट हाँ वैसा ही कुछ है, कुछ ज़्यादा खास पावर नहीं है। तो तुम देखो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, अगर इन लोगों ने अच्छा बना दिया तो मज़ा आएगा देखने में। वहीं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को लेकर के एक और नई खबर आ रही है कि उसका रन टाइम कट किया गया है, पहले 2 घंटे 40 मिनट की होने वाली थी बट अब 2 घंटे 4 मिनट की होने वाली है, मतलब 36 मिनट इन्होंने कहीं उड़ा दिए हैं। किस लिए हो रहा है, कहाँ हो रहा है पता नहीं चला किसी को, कोई कन्फर्मेशन भी नहीं है, बट 2 घंटे 4 मिनट की अब ये मूवी होने वाली है, ड्यूरेशन इसका बहुत सारा पार्ट कट किया गया है। स्पाइडरमैन 4 के प्लॉट के बेसिस को लेकर के खबर आ रही है कि स्पाइडरमैन 4 में हमें पीटर पार्कर का साइड कम और स्पाइडरमैन का साइड ज़्यादा नजर आने वाला है, जो कि तुमने अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 2 में देखा था, वो पार्ट 1 में भी वैसा ही था, ही वॉज मोर ऑफ अ स्पाइडरमैन देन अ पीटर पार्कर। खैर अभी इसकी बात करें तो भाई साहब दुख में होगा, लड़की छोड़ के चली गई होगी, बेस्ट फ्रेंड याद नहीं रखा है, मतलब कोई याद नहीं रखता इसको, और ये अपने पास्ट को संभाल नहीं पा रहा है तो स्पाइडरमैन बन के घूम रहा है, इसमें रेज वगैरह इसके सामने शोकेस होगा, विच इज़ एक्साइटिंग टू सी, और देखने में मज़ा आएगा स्पाइडरमैन 4। वैरायटी के एक इंटरव्यू में पॉडकास्ट में जिसमें वो एंड्रू गारफील्ड के साथ बैठे हुए थे, रायन रेनॉल्ड्स ने 2 बकायतियाँ की है। पहली बकायती है कि उन्होंने बोला है कि जो स्पाइडरमैन 3 था नो वे होम, उसमें उनको एंड्रू का कैरेक्टर वो ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगा था रेदर देन बाकी स्पाइडरमैन से,
चूजिंग अवे करेक्ट। सेकेंडली उन्होंने ये बात बताई है कि उनके दिमाग में एक आइडिया था लेकिन मार्वल और डिज्नी ने उसको अप्रूव नहीं किया। जिन लोगों को नहीं पता है, बैम्बी करके एक मूवी है जिसमें बैम्बी की माँ को एक हंटर मार देता है। डिज्नी की ये पहली एनिमेटेड मूवी है और बच्चों के लिए ये फिल्म है। उसमें ये रयान रेनॉल्ड्स भाई साहब का आइडिया था कि वो चाहते थे कि वो जो बंदा गोली मारता है बैम्बी को, उसको ये प्ले करे, मतलब डेडपूल जाए और बैम्बी की माँ को मार दे, ऐसा एक सीन रखने वाले थे ये। बट मार्वल ने ऑब्वियसली इस चीज़ को अप्रूव नहीं किया। देखने में मज़ा तो आता वैसे, बट हाँ अप्रूव नहीं किया तो उन लोगों को वो आइडिया हटाना पड़ा। आज की न्यूज़ के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार खबर वीडियो रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।